हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो आज की अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है और मैं हो चुका हूँ तैयार और अब मैं जा रहा हूँ अपना स्कूल की तरफ। बाकी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ और खाना पीना मैंने खा लिया है, बस अभी मैं निकलने वाला हूँ, जूते वगैरह डाल लेता हूँ। मुझे तो यार डाल के अब मैं निकलूँगा अपना स्कूल की तरफ। बाकी थोड़ा सा लेट तो मैं हो चुका हूँ, बस तो अब 2 बजे के बाद ही मिल पाएगी। बाकी इस टाइम टाइम में 1:50 हो चुका है और जो अभी बस थी वो तो फिलहाल निकल चुकी है क्योंकि थोड़ा सा बस खाना खाने में लेट हो गया। बाकी अपना जो अब क्लासेस हैं डेली लगे करांगी, मतलब कि बुधवार वीरवार शुक्रवार हफ्ते में 3 दिन। ये नवंबर का जो महीना है इस महीने में तो लगेंगी, बाकी जब दिसंबर का महीना है उसमें मे बी मैक्सिमम 6 दिन है, पूरे बस 6 दिन क्लासेस हैं क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां हैं। तो सब जैसे अपने इंडिया में छुट्टी होती है तो वैसे ही यहाँ पे भी छुट्टी होंगी। तो मैं आपको मतलब का स्कूल लाइफ, डेली की स्कूल लाइफ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना अपनी। बाकी मेरी आपके पहले 2-3 दिन की जो मैं गया हूँ वो आपने लोगों ने वीडियो देखी होगी। बाकी स्कूल लाइफ तो आपको डेली दिखाऊंगा ही। बाकी जैसे कि आपको पता है अपने जो सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, बाकी जिन जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना मतलब सपोर्ट करते रहना। और फोन पर्स और पास सब कुछ मैंने ले लिया है। चलो अब मैं निकलता हूँ। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपना घर से और पैदल पैदल मुझे कम से कम जाना है 7 से 8 मिनट। 7 मिनट मुझे यहाँ से पैदल जाना है, फिर देखते हैं बस की क्या टाइमिंग है। अगर सही टाइम पे बस मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे फिर 20 मिनट और का 20 मिनट और पैदल जाना पड़ेगा। तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा रास्ते में, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा आप लोगों को दिखाता ही रहूँगा। गाइस अब मैं मिलूँगा आपको अपना बिल्कुल बस स्टॉप पे जाने के बाद। तो बने रहना वीडियो में, मैं आपको मिलता हूँ बस स्टॉप पे। देखते हैं अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं सही टाइम पे वहाँ पहुँच गया बस के आने से 1-2 मिनट पहले तो ठीक है, अगर 10-15 मिनट का गैप हुआ फिर मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। तो जैसा भी होगा बताऊँगा आप लोगों को। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी मेन मार्केट में, अपने घर के पास की है ये मेन मार्केट है बैक्सम नेरा की। और यहाँ पे देखो ऊपर ये मतलब क्रिसमस की तैयारियाँ हो चुकी हैं अभी से, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस का ही है। पूरे रोड पे ऊपर की तरफ सारे में इन्होंने लगा दिया है। तो भाई मैं बस स्टॉप पे आया था बट जो मैंने टाइम देखा यहाँ पे आके 13 मिनट बाद बस थी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में लगने 15 से 20 मिनट, मतलब वही टाइम हो जाना है। तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसमें पैदल पैदल निकल चुका हूँ कि थोड़ा बहुत तो सैर भी हो जाएगी क्योंकि अब ठंडे जब स्टार्ट हो चुकी हैं तो रात को हम घूमने फिरने जाते नहीं, पहले जाते थे बट मैं दिखाता नहीं था वीडियो में। जैसे हम रात को खाना पीना खा के निकल जाते थे घूमने फिरने, बाकी अब ठंड में इतना रात को पता ही है आप लोगों को ठंड में इतना घूमने का मन भी नहीं करता बाहर निकलने का, मौसम के अनुसार तो कम्बल में पड़े रहने का मन करता है। बट अब मैं निकल चुका हूँ
पैदल, इस अपने थोड़े सैर भी हो जाएगी। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ के आसपास की लोकेशन। तो गाइस ये है अपना यहाँ का कम्बोज स्टेशन, मतलब उस साइड से हम उस साइड जाते हैं जब हमको बैरो की तरफ जाना होता है, मेन स्टेशन की तरफ, अपना कम्बो वासिफ स्टेशन की तरफ। ये मेन स्टॉप है यहाँ का, मेन स्टेशन है। बाकी आसपास में मतलब मेन रोड है जो, जैसे हम बोल देते हैं ना कि अगर हमको यहाँ से बैठो की तरफ जाना है, बैठो से इधर आना है, तो मेन रोड ही है। बाकी एक स्टॉप, एक रोड अंदर से भी आता है, बट मोस्ट ऑफ दी बसें यहीं से आती हैं। मतलब सबका अपना अपना रूट है, अलग अलग बसों का सबका अपना अपना रूट है। बाकी ये अपना CTT मकसद अपने रहा का, मतलब जैसे अपने वहाँ पोस्ट ऑफिस है वैसे यहाँ पर CTT है। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये अपना सोशल, जिसके बारे में अभी बात कर रहा दो तीन दिन पहले ही कि सोशल में एड्रेस वगैरह चेंज करवाना ये वो, तो यही है वो मेन चीज, इसके थ्रू अपना अकाउंट खुलेगा। मतलब अगर इसमें एड्रेस होगा ना सही तो अपना बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बाकी आसपास की लोकेशन गंदे, मतलब जैसे अपने इंडिया में करते हैं ना कई चीज़ें, आपको सारी जगह मिलेंगी कबाड़ खाना। बाकी गाइस अपना लोकेशन आपने लोग देख ही ली है ऑलमोस्ट, और अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अपना कोचिंग सेंटर के बाहर जाकर, ठीक है? फिर आपको दिखाऊंगा अंदर क्लास में बैठ के थोड़ी बहुत वीडियो अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसा माहौल है कैसा नहीं, क्योंकि फ़ोन अलाउड है चलाना, मतलब भी उनको नहीं पता लगना चाहिए, बट ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं बस आपको सीधा वहीं जाकर ही मिलूँगा। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना लोकेशन पे, बट अभी तक मैं लिबास में लेट हो गया, लेकिन पता नहीं है बाहर क्यों खड़े हैं, कोई भी नहीं गया अभी क्लास में ना, तो देखते हैं अभी इनसे पूछते हैं क्या रहा क्या नहीं, बताते हैं आपको बाद में। The first customer then you get the service. I go twice, like 3-4-30 minutes, like 7 minutes. Then, oh, I am not first, I am second or third. Jesus, we don't have time. Country and the money it's only there, and what I want when I want to do what I want to do. I don't do in Portuguese banks. It's enough. When I call Ruben to pode ser, sim. Pode ser? Não. Pode ser? This is the question. When form of the question? Another form is eu quero uma sopa para já. Pode ser? Can you? It's me. You understand? Yes. Eu quero uma sopa para já. Pode ser? Para já? I'm sitting and I want to... Right now. And you say, pode ser? Your answer, pode ser? Vírgula, com certeza. If you can. Okay. Certeza. Com certeza. Aqui
what people say usually. Eu quero uma sopa do dia. Pode ser já? Pode ser já? Ou seja, they put já here. Pode ser já. Rápido. Agora. Pode ser já. It's not pode far. Ser já. It's not good. Not far. Queria, não? Queria. Não. So it's not. O queria. It's. Suppose he's working in the restaurant. He goes next to you. What do you want? I want cheese. I want a soup. Короче, ты знаешь что? तो गाइस मेरी हो चुकी है छुट्टी अपना कोचिंग सेंटर से और अब मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ पैदल पैदल। बाकी बीच में आपने लोगों ने क्लास में देखा ही है, बाकी दो भाई और थे साथ में, वो आपने देखा ही था मेरे आगे के चल रहे थे, दो तीन बंदे और थे तो वो तो मुड़ गए थे अपना वहीं से बस में बैठ के चले गए, बट मैं पैदल ही आ गया क्योंकि जो बस है थोड़ा सा फिर लेट है, वो तो 5 बजे थी बट अभी 4:30 हो गए हैं, हमारी छुट्टी हो चुकी है क्योंकि उनको अभी थोड़ा काम सा था अपना टीचरों को, आज उनको कुछ होगा कुछ फंक्शन वगैरह जो भी था तो उन्होंने हमको सबको फ्री कर दिया और अब हम आज जा रहे हैं अपने घर के तरफ, घर की तरफ जा रहे हैं हम। बाकी बस की लोकेशन मतलब ये वहाँ से बस सीधा ही रोड है जैसे मैंने आपको आते दिखाया था, एक सीधा ही रोड है अपना मेन मार्केट से, मैं वहीं पे उस टाइम अपने आसपास का लोकेशन। अब मैं आपको मिलता हूँ घर जाकर, देखते हैं क्या रहेगा आज का दिन। तो भाई इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपना जो मेन बैक्सा दबनेरे का मेट्रो कम्बोई स्टेशन है उसके नीचे, जहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ से उस साइड जाता हूँ मैं रोड के नीचे से, ऊपर से ट्रेन जाती है नीचे, यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ। बाकी नीचे बने हुए कलाकारियाँ की हुई हैं नीचे, कलाकारियाँ। अब मिलते हैं आपको सीधा घर पर, देखते हैं क्या रहेगा आज, क्या कुछ बनेगा खाने में। अब मतलब कि आपको पूरी डेली की दिनचर्या दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि डेली का दिखाऊँ आपको दिनचर्या पूरी सुबह उठने से रात को सोने तक की, तो कोशिश करूँगा कि आपको पूरी दिनचर्या दिखाऊँ, तो देखते रहना और आप लोगों को जो इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत धन्यवाद, ऐसे ही करते रहना। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पर और अब देखते हैं कुछ खाने पीने का क्या कुछ है क्या नहीं है, बाकी फ्रिज में पड़ा तो बहुत कुछ है, मशरूम शिमला मिर्च और ब्रेड भी पड़े हैं, वैसे रोटी भी पड़ी होंगी, रोटियां पड़ी है इसमें, देखते हैं रोटी खा लेते हैं पहले थोड़ा बहुत, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो भाई अभी मैंने देखा कि घर पे दूध नहीं था तो भी मैं निकल चुका हूँ दूध लेने के लिए, जहाँ अपना भाई लगे हुए हैं देखते हैं उनकी शॉप पे कितने का है, नहीं तो फिर LD जो यहाँ की मेन बड़ी मार्केट स्टोर है, बड़ा स्टोर है, उसमें जाके आएंगे क्योंकि उस पर थोड़ा सही रेट मिलता है, जो छोटी दुकान है थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि लगा लो वो थोक की दुकान बड़ी ब्रांड है LD, वो मेनली मे बी पूरे यूरोप में चलती है, पूरे यूरोप में वो उनके जो स्टोर्स हैं पूरे यूरोप में हैं। तो अभी मैं पहले उनकी शॉप पे जा रहा हूँ भाई की, उनसे पूछता हूँ कितने का क्या रेट है, अगर सही रेट लगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर अपना LD के ले जाएंगे, LD से ले आएंगे, जिसमें तो भाई लगे उन्हें शॉप पे पूछ लेते हैं एक बार।
तभी मैं जा रहा हूँ वहीं पे। ये आ चुकी है तो अब उनकी तो भी फ़ोन कर उनका, और सीधा अंदर ही आके देखते हैं, पूछते हैं कितने का है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ शॉप के अंदर। मैडम पूछ करता होंगे, मैडम तो आगे कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वैसे कितने ला रखे हैं। छह है ना, एक एक पीस का पड़ा। हाँ तो उसके साथ ला रहा ना, रेट पे छह के साथ तो मैं भी ज्यादा लगा होगा क्योंकि वहाँ 89 कुछ का, 89.93 का क्या एक कहाँ से एलडी में, एलडी में लिया करें, एलडी में सस्ता है तू है ना, तो यहाँ पे पड़ेगा महंगा, यहाँ हमको पड़ रहा है महंगा भी वहाँ सा। तो मैं जा रहा हूँ सीधा एलडी में, वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, तो मिलता हूँ सीधा एलडी में पहुँच के। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपना एलडी में, अब मैं मिलता हूँ आपको अंदर जाकर, लेते हैं यहाँ से अपना दूध मीमोसा का, देखते हैं कौन सा लगेगा बढ़िया। तो लगे हुए प्राइस भी मीमोसा के दूध का है 85 और वहाँ था 101.20 का। देखते हैं होगा, तो गाइस मैंने ले लिया है दूध स्टैंड और मैं जा रहा हूँ लाइन में लगने के लिए, बस फिलहाल दूध ही खत्म और दूध ही लेना था, बाकी सारा सामान घर पे पड़ा ही है। तो और अब मैं लगते हैं लाइन में, फिर मिलते हैं आपको, लेके चलते हैं, क्योंकि और तो कुछ लेने का नहीं है, सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे, फ्रूट वगैरह भी हैं इधर ही, फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं। तो फिर हम जा रहे हैं लाइन में, तो गाइस दूध लेने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपना घर की तरफ, अब जाके थोड़ा सा दूध कर लेंगे गर्म, क्योंकि थोड़ा सा सुबह दूध भी नहीं पिया आज, क्योंकि सुबह दूध आई नहीं था, ख़त्म हो रखा था। सुबह जल्दबाजी में निकल गए काम, तो अपना कोचिंग भी जाना था सेंटर पे लैंग्वेज के लिए, तो अब जाके पियेंगे, बाकी ख़त्म ही हो रखा था तो लेना पड़ गया, और सभी को पीना ही था। तो गाइस अपना खाना कपड़े कपड़े चेंज करके अब मैं आ चुका हूँ खाना बनाने के लिए, सब्जी अपनी बन चुकी है, सब्जी बनाएंगे खाना, रोटी सब्जी बनाएंगे। रोटी खाने की थोड़ी मंगी सारी खा लिया, चलिए हो गया ना, चिट्ठी में तो पूरा नहीं आने का, आधा था हमें, आधा था हमें, दूर होना दूर, तो बहुत दूर हो जाएगा, पैसा ले लिया मैंने सिटी में, थोड़ा सिटी में ले लिया, तो ना ना
तो गाइस खाना खुना बना के खा के हम आ चुके हैं अपना बेड पे और अब अपने सोने की तैयारी और करते हैं वीडियो को एडिटिंग। तो आज के लिए अपना इतना था, आपने लोगों ने आज की दिनचर्या देखी होगी, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना बाकी आप सब लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अपना कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।